नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज के इस खास इम्पॉर्टेंट वीडियो में। आज चलते चलते यूं ही उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नंबर पे फ़ोन लग गई। हमारी जो बात हुई उस बात को आज हम इसी वीडियो के माध्यम से शेयर करेंगे। उर्मिला इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के माध्यम से जो हेल्थ सोसाइटी डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई थी उसको लेकर तरह तरह के अफवाहें चल रही है, जो कि बहुत तरह के प्रश्न भी बनता है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अर्थात आप इस ऑडियो को सुनने के बाद आप स्व आकलन कर सकते हैं, अर्थात कि हमारी प्रयास है कि आप बाहरी अफवाहों से बचकर आप स्व आकलन पे ध्यान दें। और साथ ही साथ अंत में आपको RTI का मैसेज कैसे कहाँ पे बहुत ही आसानी से छोड़ सकते हैं थोड़ा उस पर भी हम चर्चा कर देंगे। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है वीडियो। तो आइए वीडियो को सबसे पहले ऑडियो से स्टार्ट करते हैं। हेलो जी, बोलिए। जी मैं राजरंजन बोल रहा हूँ। पता करना था जो ज्वाइनिंग क्यों हो रही है मैम, इसका हेल्थ सोसाइटी डिपार्टमेंट में जो आया हुआ था वैकेंसी। अभी नहीं, ज्वाइनिंग नहीं हो रहा है। नहीं, अपने मोतिहारी जिला का तो कुछ ज्वाइनिंग हुई है पूर्व से कार्यरत लोगों की। जी पूर्व से जो कार्यरत हैं मोतिहारी जिला के, तो उनकी ज्वाइनिंग हुई थी ना। रिमूव किया गया होगा कुछ लोगों को। जो नोटिफिकेशन निकला था उसमें था कि उनको फर्स्ट वरीयता मिलेंगी, तो उसको नोटिफिकेशन फिर निकालना चाहिए, वो उसमें पार्टिसिपेट करते फिर जाके उनकी ज्वाइनिंग होती। अब तो सीट उतना कम ही हो गया। हेलो जी। अच्छा बताइए कुछ अपडेट इसके बारे में। अभी अपडेट कुछ नहीं है सर, उससे कुछ प्रोसेस ही नहीं हो रहा है। वैकेंसी रहेगी कि कैंसिल हो जाएंगी ये आगे का भी हम कैसे बता सकते हैं सर? नहीं देखिए, बहुत सारे की रूमर फैली हुई है ना, इसमें पता चल रहा है कि ज्वाइनिंग हो रही है, बहुत जगह से ऐसे कमेंट आ रहे हैं हमारे पास और बहुत लोग की कॉल्स भी आ रहे हैं। तो फिर आगे क्या होगा ये हम अभी कैसे बता दें, हमारे पास अभी कोई अपडेट ही नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ऐसा आप कन्फर्म है कि कोई ज्वाइनिंग नहीं हो रही है? नहीं, पुराने लोगों की हुई है रिन्यूअल, ये तो कंफर्म है ना। वो भी अभी उसी लोगों को हुआ है जहाँ से अर्जेंटली कॉल आ रहा था ना, उन लोगों को, कुछ लोगों को जो 10 साल से कार्यरत थे डिपार्टमेंट, उन लोगों को हुआ है। तो उन्हीं लोगों की ना फर्स्ट वरीयता इस वैकेंसी में मिलने वाली थी या कि दूसरे किसी को मिलने वाली? हो रहा है अभी तो उसी लोगों को हुआ है, 2-4 लोगों को हुआ होगा। तो फिर नहीं होना चाहिए ना, नियम के अनुसार तो ऐसे थोड़ी गोपनीय, तो गोपनीय बहाली हो गई। तो फिर अर्जेंटली कॉल आया होगा, हो सकता है हुआ होगा। नहीं तो आप ही खुद सोचिए, अर्जेंटली कॉल कुछ भी हो नोटिफाई करना चाहिए या फिर लिस्ट में निकालना भी चाहिए ना वेबसाइट के माध्यम से कि इतने लोग की बहाली हो गई, हो रही है, फर्स्ट से काम कर रहे हैं, ये तो गोपनीयता हो गई। अच्छा है ये, आप बताइए, आप बताइए इसमें RTI लोग करेंगे, बहुत कुछ विवाद हो सकती है। चलिए कोई बात नहीं, हमको सूचना कुछ चाहिए था आपके माध्यम से, तो अभी कुछ है नहीं ना। ठीक है फिर, धन्यवाद। तो उम्मीदन इस एक ऑडियो क्लिप के माध्यम से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली जो कि वेबसाइट के माध्यम से अब तक सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जो कि आपके माहौल में एक खास जो हल्ला चल रही है, अफवाह चल रही है, पैसे लेके ज्वाइनिंग हो रहे हैं, इस तरह की कुछ बात है नहीं, कंपनी में कोई पैसे लेके ज्वाइनिंग हो नहीं रही है। आप ऑडियो क्लिप के माध्यम से सुन चुके, पूर्व से 10 वर्षों से कार्यरत कर्मचारी का ही रिन्यूअल हुआ है जो कि अति आवश्यक होने पे हुआ है। तो जो हकीकत है उसी चीज़ को हम यहाँ पे दिखाने का प्रयास किए हैं। किसी तरह का अपवाद अपवाह में आप न पड़ें, आप निश्चिंत रहें, कुल रहें, इसकी नोटिफिकेशन तुरंत ही अपडेट वेबसाइट के माध्यम से आएंगी, आपको सूचित किया जाएगा। यहाँ पर कंपनी के कस्टमर केयर थे जिन्होंने जिनके पास तक जितना इन्फॉर्मेशन था उतना ही वो बता पाए, कंपनी जैसे ही अपडेट करती है सबको पता चल जाएगा। तो जैसा कि RTI से संबंधित वीडियो भी हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे, यहाँ पे बहुत ही शॉर्टकट में आपको जल्दीबाजी में थोड़ा सा हिंट्स बता दें, आपको RTI करके गूगल में सर्च कर लेना है, फर्स्ट में जो लिंक दिखाई देगा RTIonline.gov.in उसको क्लिक कीजिएगा, ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। आप यदि रजिस्टर्ड नहीं है तो आप यहाँ पर साइन अप करके अपना एक अकाउंट बना लीजिएगा, लॉग इन जैसे ही हो जाइएगा, लॉग इन होने के बाद में आपको यहाँ पर सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक कर देना है। सबमिट रिक्वेस्ट पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको इसको पढ़ने के बाद में
और चेक करके उसके बाद सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद में आपके सामने फॉर्म खुल के आएगा जिसमें आपको पूरा डिटेल सेलेक्ट करना है। देखिए बस आपको दो इंपॉर्टेंट चीज़ सेलेक्ट करना है यहाँ पे, जो है ना मिनिस्टरियल को सेलेक्ट करना है, कौन सा डिपार्टमेंट में आप भेजना चाहते हैं। आपको एजुकेशन और लेबर वर्क से रिलेटेड डिपार्टमेंट है, आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसमें जैसे क्लिक कीजिएगा आपको बहुत सारे डिपार्टमेंट आएगा, आप अपने अनुकूल कर सकते हैं। यहाँ पर यह है कि आप थोड़ा सा रिलेटेड डिपार्टमेंट भी सिलेक्ट करते हैं, मैंने बताया था, तो आपको 5 दिन और एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है, यानी कि 30 दिन के बदले 35 दिन में आपको रिपोर्ट का जवाब मिल जाते हैं। तो आप वहाँ से रिलेटेड भी कीजिएगा तो वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपना फुल डिटेल्स आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है, ये आसान है। हाँ, मैसेज की जो बात है, आप जैसे अप्लीकेशन लिखते हैं, मैसेज को खूब अच्छा से सजा के, ये जो मैसेज बॉक्स है आप इसमें खूब अच्छा से सजा के लिख लीजिएगा। और एक खास इंपॉर्टेंट चीज़ ये बता दें कि आपके पास कोई यदि सबूत है, कोई प्रूफ है, या फिर जिस समय वैकेंसी आए थे उसकी नोटिफिकेशन है, तो उसे भी आप अपलोड कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास प्रूफ है, अच्छा है, तो आप यहाँ से प्रूफ भी लगा सकते हैं। नहीं भी है तो भी आप सबमिट कर सकते हैं, सब डिटेल्स करके आप आराम से सबमिट कीजिएगा। 10 रुपये आपको चार्ज लगेंगे यदि BPL का डिटेल्स नहीं डालते हैं, तो BPL डिटेल्स डालने के बाद में फ्री में हो जाते हैं। तो आशा करते हैं इस प्रकार से आप RTI को भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।